हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2023 के बारे में। जितने भी छात्र 2023 में मैट्रिक बिहार बोर्ड से पास किए हैं और वो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हों या सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, उनको 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और इसमें ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रोसेस को बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फर्स्ट डिवीजन से पास किसी भी कैटेगरी से वो आते हैं, अगर फर्स्ट डिवीजन से वो पास हैं तो उनको 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगर वो एससी एसटी से आते हैं, अगर वो सेकंड डिवीजन से भी पास हैं तो उनको 8,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है दोस्तों, मैं चलिए आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बतलाता हूँ। जैसा कि दोस्तों एक ये वेबसाइट जो है अभी लॉन्च हुआ है तो ये प्रॉपर तरीका से वर्क ही नहीं कर रहा है, जिसमें सारा जो लिंक है जो एक्टिवेट कर दिया गया है, बट जो अभी जो एप्लीकेशन है जो प्रॉपर तरीका से इसमें वर्क नहीं करने के कारण जो इसमें ऑनलाइन करने में आपको बहुत तरीके कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपका फॉर्म है जो आप ना ही भरे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए जो मेघासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वाले वेबसाइट पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जो फॉर्म 2023 का फॉर्म फिल हो रहा है उसका जो है लिंक जो है ऊपर में शो कर रहा है। जैसे ही दोस्तों आप मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th प्रोत्साहन योजना के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 2019 से लेकर के 2022 तक जो है लिंक जो है इसका एक्टिवेट है, बट दोस्तों इसमें 2023 का लिंक जो है अभी ऊपर में शो नहीं कर रहा है। इस कारण से दोस्तों आपका 2023 का फॉर्म जो है एक अलग से वेबसाइट बनाया गया है, लेकिन ये दोस्तों जो वेबसाइट बनाया गया है ये मेघासॉफ्ट का ही वेबसाइट है, लेकिन दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जो लिंक है नहीं किया गया है। इसके कारण से दोस्तों ये साइट ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस में होगा, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। इस कारण से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से अभी इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। आप इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद जो है दोस्तों आप अच्छी तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों अगर अप्लाई आप करना चाहते हैं उसके लिए हम डेमो के रूप में आपको कुछ बता देते हैं जिस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन का, एप्लीकेशन स्टेटस का, गेट यूजर आईडी पासवर्ड का एंड फाइनल सबमिट का। तो चलिए मैं दोस्तों आपको डेमो के रूप में बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे अप्लाई सेक्शन का ऑप्शन है, इसपे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों ये खुल के आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है निर्देश को दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। पढ़ करके यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन है, इस सब में आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा तो आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुल कर आएगा, इसको आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको डेमो के रूप में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करने को आ रहा है, तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आता है दोस्तों, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको एडमिट कार्ड पे या मार्कशीट पे दिया हो रहता है दोस्तों, उसके अनुसार आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लेना है। इसमें फिर पूछा जा रहा है दोस्तों नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट नेम जो है अपना नाम मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही आपको इसमें फिलअप करना है, जिस तरह के उसमें स्पेलिंग है उसी तरीका से इसमें आपको फिलअप करना है। फिर आपको दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ अपना जो होगा मार्कशीट के अनुसार आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के अनुसार। इसमें आपको होता है फादर्स नेम, आपको ना फादर्स नेम लिख लेना है, इसमें अपना मदर्स नेम लिख लेना है। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स लिखने को आता है दोस्तों, तो आपको जितना भी मैट्रिक में मार्क्स आया होगा इसमें अपना मार्क्स को लिख लेना है। इसके बाद अपना डिवीजन को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट या सेकेंड। इसके बाद आपको कैटेगरी आता है दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना 10th में जो रोल नंबर होगा, आपको एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे दिया हुआ रहता है रोल नंबर, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आपका मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, ज्यादातर दोस्तों आप नो ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको नेम एज पर आधार मांगा जा रहा है, जिस तरह का से आपको आधार कार्ड पे नेम है उसका स्पेलिंग है उस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना नेम जो है फिलअप कर देना है। इसके बाद अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, फीमेल मेल। इसके बाद अपना आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड के अनुसार आपको फिल करना है।
जितना भी आपको आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे कैलेंडर के अनुसार आपको चयन कर लेना है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आधार कार्ड पे कुछ अलग है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को ना ही अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार दोस्तों, अगर आपका दोनों पे अलग अलग है, मैट्रिक पे कुछ अलग है और आपके आधार कार्ड पे कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो आवेदन है 100% रिजेक्ट होगा दोस्तों। अगर आपका फॉर्म जो है एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें आप दोबारा से अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये वेबसाइट जो इस तरीका से कुछ बनाया गया है और न ही इसमें कुछ एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसको आपको अच्छी तरीका से आपको एक बार मिलान कर लेना है अपना डॉक्यूमेंट को कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों एक तरीका का होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से नेम का और डेट ऑफ बर्थ का किसी प्रकार से मिसमैच नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको एक तरीका से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये ग्रीन टिक हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई आधार का आपको ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आना है, अपना एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। गेट OTP फॉर मोबाइल पे आपको क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे OTP प्राप्त होगा। यहाँ पे एक न्यू बक्से में खुलेगा, उसमें आपको OTP को फिल करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है, इसमें भी OTP जनरेट OTP फॉर ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल्स को फिल करना है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट में जो IFSC कोड होता है IFSC कोड को आपको फिल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें IFSC कोड को फिल करके आगे बढ़ते हैं तो बैंक नेम जो है ऑटोमेटिक ये IFSC कोड के अनुसार आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करने का ऑप्शन है, इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर लेना है। इसमें फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें दो बार से आप कंफर्म करके अच्छे तरीके से अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन है, आप प्रीव्यू कीजिएगा तो आपका जितना भी डेटा फिलअप किए होंगे आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाया जाएगा। आप अच्छी तरीके से डेटा को देख लीजिएगा, अगर किसी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो बैक करके आप फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक होता है मैट्रिक का मार्कशीट जो है आपको PDF बना के रखना है, जिसकी साइज दोस्तों 400 KB से नीचे होना चाहिए, और एक आधार कार्ड को आपको PDF बना के रखना है जिसकी साइज 400 KB से कम होना चाहिए। उस दोनों को दोस्तों आपको अपलोड करने का ऑप्शन इसके बाद दिया जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको कंप्लीट करके आपको कुछ दिन के लिए वेट करना होगा, आपका जो आवेदन है जो विभागीय सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड को भेजा जाएगा। इसको आपको यहाँ पे बैक आकर के यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको करना है, और फाइनल सबमिट आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको करना होता है, तभी जाके आपको जो है 10,000 रुपए की राशि आपके खाते तक भेजी जाएगी। अगर आपका दोस्तों आवेदन कर दिए हैं तो आवेदन का आप एप्लीकेशन स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं कि आपका किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, कहां तक पहुंचा है। अगर आपका सारा चीज वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो यहां पर गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को भी मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।